taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic. राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। हम तो जी बढ़िया है, दुआ है ऊपर वाले कि आप सभी का आशीर्वाद है। सुबह के हो गए हैं 5, पौने 6 हो गए हैं और उठ गई थी 4:45, 1 घंटा हो गया। तो वही रूटीन वगैरह करके थोड़ी सी रनिंग करके आए, थोड़ा सा घर का छोटा मोटा करके गई थी क्योंकि अभी बनाना है खाना। हस्बैंड जाएंगे 7 से थोड़ा पहले, तो टिफिन रेडी करना है तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो आज बहुत दिन में दौड़ के आई, एक्सरसाइज तो थोड़ी सी की, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मेहनत तो करनी पड़े है पर यूँ लग रहा है कि इतने दिन से नहीं कर रही थी ना, कुछ टॉक्सिन तो बाहर निकले। ये जो पसीना निकल रहा है ना, ये बीमारी ही निकल रही है, कोई मेरे अंदर की अच्छी चीज़ नहीं निकल रही है। तो इसको निकालो ताकि अंदर से बॉडी हेल्दी बने। और जब ये पसीना निकलेगा ना, ना सिर्फ हेल्दी बनोगे, ग्लोइंग बनेगी स्किन, सब अच्छा ही अच्छा होगा जो आप चाहते हो। तो अभी करते हैं जी काम। बच्चे अभी सो रहे, भी नहीं उठाए हैं, पर इनको भी थोड़ा घास पे लेके जाऊँगी। पर भैया जब काम खत्म हो जाएगा तब लेके जाऊँगे। ये लोग पहले जगा दूँगी, जाएंगी तो ठीक है, मेरे साथ ही जाने के लिए बोलेंगे तो मैं तो भैया तभी जाऊँगी। तभी कर लेते हैं काम। सुबह के बज गए हैं 7। खाना पीना तो दे दिया, हस्बैंड को विदा कर दिया, चले गए हैं वो ऑफिस। और निशु भी साथ में गई है नीचे तक, अभी गए हैं। और मैं योशी अभी जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन चलने लग रही है, कपड़े धुल रहे हैं। और बस चलते हैं, थोड़ा सा घास पिन को चलाना जरूरी है। अभी तो धूप नहीं है, थोड़े बादल हैं इसलिए धूप है भी नहीं, तो थोड़ी सी देर वो करा दो। फिर वही बच्चे पूरे दिन घर पर ही रहते हैं, तो थोड़ी देर चलते हैं। आज जी धूप नहीं निकल रही है बच्चा, मैं तो सोची घास पे चलने लग गई होगी, पर ये भी बिल्कुल असली है। तो घास पे क्यों नहीं चला है, इधर ही बाहर ही खड़ी हो गई है। आज देखो जी कितनी मस्त मस्त मैंने किया ये घास, और मौसम भी एकदम ठंडा है, बादल हो रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है एकदम। और मेरे पीछे ये मेरे नमूने आ रहे हैं, नमूने। चलो चलो। निशु तो जी खेलने लग गई थोड़ी सी देर, और मैं योशी तब तक योगा कर लेते हैं। चल भाई शुरू कर, नहीं आँख की नहीं, पहले गर्दन की, यहाँ से शुरू करनी है। स्लोली स्लोली, तेज नहीं, आंखें खुली जितना घुमा सकते इतना। ज़्यादा अपना काम गिरा दिया, भाई को मैं बोल रहा था इन्हें क्या के गिराते हो। चल भाई चल, निशा के जो गिराते हैं अपनी आंखों वाली एक्सरसाइज कर रहे। अभी चश्मा निकालते, धूप नहीं है, निशा के जो निकालते हैं ना वो वाली, थोड़ी ब्लिंक करके फिर निकाला कर धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। निशु ने जो गिराया ना वो वाला है रखना। चलो चलो करो निशु, आप भी कर लो। निशु कर रही हो, अच्छे से बैठ जा नीचे। नहीं क्यों काटे, क्यों बैठ गए, कहीं काटे नहीं है ना। टाइम्स हो गया ना, मैं तो काउंट ही नहीं किया। सुबह के जी 11:30 हो गए हैं और ये लोग छील रही हैं बादाम। ये कचरा भी इसके अंदर ही डाल दे, कचरा इसमें डालने योशी, और इसी में बादाम। और ये सीड भिगो रखे, थोड़े से थोड़े भिगोए थे, थोड़े बिना भिगोए डाल दूँगी। इनको करें छील, फिर शेक बनाएंगे। ठीक है सर। और लाइट चली गई है, 2-3 बार जा चुकी है। अभी फिलहाल आई है, तो भाई छील लो, फिर चली गई तो फिर कब शेक पियेंगे, फिर खाने का टाइम हो जाए। 11:30 गैस होगा। वो दूध रखा है मेरे तो गैस पर, और ये दोनों तो मैंने नहा चुकी, मेरा नहाना बाकी है। नहीं नहीं रखा तो थोड़े पहले ही था, पर वही है हो जाता है कभी कभी। वो लगे कि नहीं अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, फिर एकदम से ऊपर आएगा, निकल जाता है बस। और काम तो जी अभी फिलहाल नहीं है। लंच सब्जी सुबह बना ली, आटा लगा रखा है, राबड़ी रखी है थोड़ी, तो मैंने एक बार पी भी ली। और बस अभी दूध गर्म करना है, शेक बनाना है, पीना है। और बर्तन वर्तन वॉश करने हैं। कपड़े 2 बार धो चुके हैं आज, एक बार तो इन्होंने सुखाए, एक बार के मैंने सुखाए हैं। इधर उधर धोई, एक बार में कपड़े धोए। और घर का काम तो हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि डांस की वीडियो बना लेते, क्योंकि शाम को फिर खाना खाने के बाद ना, फिर तुम मतलब खाना खा के ना फिर करने कुछ काम करने का मन ये रहता है, थक सी जाते हो खाना खा के। खाना खा के थकते हो ना, तो मतलब ये है कि खाना पचाने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए है। ये खाना खाते एनर्जी नहीं मिलती है, खाना खा के वो होता है थोड़ा सा, उसको पचाने के लिए बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए खाना खा के मेरा तो दोपहर का ना ये रहता है कि थोड़ी देर आराम करूँ, फिर थोड़ी एनर्जी मिलेगी। खाना खाते नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत ऐसे कुछ काम कर ले वो अलग बात है। तो अभी डांस की वीडियो बना लेते हैं, ये पी के शेक। देखते हैं कौन सा सॉन्ग सर्च करती हूँ। थोड़ा खाने में है रोटी, बूरा, कुंदरू की सब्जी, जिस सब्जी में मम्मा मिर्ची खाना भूल गई है, खीरा सलाद में है, लस्सी है, और ये राबड़ी है। राबड़ी कौन पिएगा? आप। ये मम्मा रेडी होके आई है डांस की वीडियो। जी बज गए हैं दोपहर के 2 और डांस की वीडियो बनानी है। मैं तैयार तो गई थी, फिर खाना तो मैंने पहले बना दिया था, फिर भूख से लग गई, मुझे भी लग गई, तो मैं सोची खाना ही खा लेती हूँ। खाना खा के ना फिर डांस करने का मन नहीं करता, रहता है जैसे शादियों में भी करते हैं कि खाना खा के फिर थोड़ी डांस होता है, फिर थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर डांस की वीडियो बनाएंगे। बच्चे भी ये भी खा रहे थे, मेरा मन भी कर गया, खाओ खाओ, इनका भी लेट हो जाता है। फिर ये लोग मेरी सब्जी के लिए नखरे हैं जी, क्यों ले लूँ, खाओ अपना ना, सब्जी खाओ, रोटी छोड़ दो। सब्जी के लिए हो रहा था कि सब्जी नहीं खाए, तो राबड़ी है मैंने तो थोड़ी सी पी ले दो, सब्जी खाए रोटी छोड़ दो, चम्मच दो, मैं सब्जी सब्जी खाऊंगा। हाँ ठीक है, रोटी छोड़ दे, भूख लगेगी तब अपने आप दोबारा से खा लेगी, छोड़ दे तो खाते हैं जी खाना। जी दोपहर के बज गए हैं 3 और सच आज भी फिर भी रहती है कि चलो ठीक है आज भी ये काम, लेकिन अभी फिलहाल बहुत थक गई हूँ, मन कर रहा है ये कपड़े चेंज करके, नहाई भी नहीं हूँ सोच, क्योंकि पसीने आ जाते हैं, फिर से फैन चलाओ तो आवाज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है यार, वही थोड़ा सा रहता है कि नहीं फैन बंद। अब ये दोनों में से इनकी कब से शरारत चल रही है, अभी बहुत देर रुक जा, लग जाएगी काशी, मत कर मत कर। ये जी कई देर से मैंने इनको कुछ कहा नहीं है ना, क्योंकि मैं अपने काम में लग रही हूँ, तो अब ये खेल के अब इनकी शरारत शुरू हो गई है, तो अब इनको समझाना पड़ेगा दोनों एक दूसरे, जोशी लग जाएगी ना, मैं रुक जाए उसका हाथ हाथ मुड़ जाएगा, एक आधे चाटा खाओगी क्या, छोड़ दे छोड़ दे जोशी, छोड़ दे छोड़ दे निशु, छोड़ दे छोड़ दे निशु, बस बस प्यार से रह लो दोनों। तो चेंज करके पहले तो ना नहाती हूँ, थोड़ा सा पानी गिरता भी बॉडी खराब, पिटाई करूंगी जब फिर से किया तो मानी ना, लाइट चलेगी काम तो मुझे, और भी लाइट रहती तो और वीडियो बना लेती, नेट बंद हो गया, लाइट चलेगी तो घर में वैसे अंधेरा अंधेरा सो जाए। अभी तो मैं इधर बालकनी में आ गई हूँ, तो बस अभी कुछ नहीं, थोड़ा सा आराम करूँगी और डांस की वीडियो, ये व्लॉग बाद में आएगा, डांस की वीडियो पहले आ जाएगी, तो बस करते रहते अपनी तरफ से। चाय वाली तो देखेंगे, चाय तो आज नहीं बनाने का है, फिर थोड़ी देर बाद बनाती हूँ, आज ग्रीन टी पीती हूँ। और खाना पीना तो हो गया, बर्तन पड़े हैं, थोड़े से बर्तन वॉश करती हूँ और बस पहनना चाहिए। ये इनका ना ये झंझट होता है, ये ना सर पे ही नहीं रुक के देती है, मेरे तो ये रहते पिन विन भी लगा लेती हूँ, फिर भी इधर उधर भागता है ये, और वो तो आपको डांस की वीडियो में पता चल जाएगा। खाना खा लिया, पेट बहुत फूल रहा है, चेंज करते चले। निशु को बोला था जी अपने कपड़े जचा ले अलमारी में, अच्छे से सारे निकाल घेर दिए, मैंने पीछे के मैंने सारे अच्छे से रख रखे थे, वो भी निकाल के पटक दिए और सारे गिरा दिए, पीछे पीछे के ना। अभी इतने कपड़े रखेगी कैसे, अच्छे से नहीं रखे फिर मैं बताता हूँ। मैं आगे आगे के 2-3 जोड़ी बोला था, वो ऐसे ही ढूस रखे थे इसने, चल रखा अब इनको। योशी ने भी जी अपने कपड़े ऐसे ही रख रखे दोनों। मैंने क्या करती हूँ, तय करके इनको बोल देती हूँ अपने अपने कपड़े ले जाओ अलमारी में ले जाके रखो, तो क्या करेंगे जाके और ऐसे पटक देंगे उसमें, अच्छे से नहीं रखेंगे कि साफ सुथरे दिखें थोड़े से। अब दोनों को इन्हीं को बोलती हूँ कि अपने अपने कपड़े सही करो अलमारी में, इसके पापा के रखने में फिर खुद कर लूँगी, मेरे भी हो रहे हैं थोड़े से, कभी जल्दबाजी में मैं भी रख देती हूँ, तो एक लेती हूँ 3 निकलते हैं, उस कारण से भी हो रहे हैं जी। शाम के बज गए 6:40, आराम किया क्योंकि बॉडी आराम मांग रही थी। और ये दोनों बहनें अभी चेस खेल रहे हैं, बहुत देर तक तो निशु ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे साथ खेली है इधर, ये सब बखेर बखेर के दुकान वाला बन के कभी कुछ, अब ये योशी को पकड़ लिया चेस खेलने के लिए। इसका वही है ना सुबह, तो चलो मैं फिर भी इसको थोड़ा सा घुमा लाती हूँ, पर वही है बच्चे को चाहिए कोई साथ में। योशी लैपटॉप पे लग रही थी कुछ काम में, और अभी मैंने फिर जी इन्होंने मेरे को छोड़ दिया, तो मैं सोची टाइम से खाना बना लेते हैं, हस्बैंड अभी आए नहीं ऑफिस से, तो भैया आएंगे तो आते ही जल्दी से खा लेंगे, आज टाइम मिलेगा तो बच्चे मस्ती कर लेंगे फिर बाद में। लंच बन रहा है, मैंने बहनों से पूछा कि क्या खाओगे, तो बहनों ने ऑर्डर दिया है कि हलवा बनाओ, तो ये सूजी है थोड़ी सी, थोड़ा इसमें बेसन डालूंगी, मिक्स करके अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इधर ना ये सूजी ना वो वाली रहती है इडली वाली मोटी सूजी है, या तो इसको मिक्सी के जार में डालूं तब ये बारीक हो जाए, या फिर इसमें थोड़ा बेसन ऐड करूं, तो मैं सोच रही बेसन ऐड कर दूंगी तो अच्छा लगेगा टेस्ट। और ये इधर घाट को मैंने उबाल दिया है, खट्टा डालना है, ये रख दिए छोले निकाल कर, आज भिगोऊंगी रात को, फिर भूल जाती फ्रिज में रखे थे तो बाहर रख दिए ताकि याद रह जाएंगे सोने से पहले, कल फिर सुबह बना दूंगी छोले की सब्जी। और तो जी सब्जी रखी है तो देखो थोड़ी सी रोटी बना दूंगी, थोड़ा हलवा बना दूंगी, यही बनाऊंगी। और एक काम और करना है, मेहंदी भिगोनी है, तो ये सामान भी निकाल के रख दिया है, ऐसे निकाल के नहीं रखूंगी तो मैं भूल जाती हूँ फिर कि क्या क्या करना है, क्योंकि और किसी काम के लग जाऊँगी, तो ये वही सोचती हूँ कि याद आ जाता है, तो उन चीज़ों को उठा के आगे ऐसे किचन में रख देती हूँ ताकि निकलते बढ़ते वो याद रहेंगे, नहीं सोंगे तब तक दिखती रहेंगी तो याद आती रहेंगी, हाँ ये करना है, तो ये सब काम अभी करना है। ये जी घोल दी है मेहंदी, इसको लगाऊं तो कि मैं शायद शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि कल तो हेयर वॉश करूँगी फिर से और शुक्रवार को फिर अप्लाई करूँगी, इसको भीगने दूँगी तब तक अच्छे से, आज अभी तो भिगोई है, अभी तो अच्छे से कोई गांठी भी नहीं है, धीरे धीरे इसको एक बार सोने से पहले फिर मिक्स कर दूँगी और सुबह तो वही करती रहूँगी, ये कर दी है। और बादाम और किशमिश तो भिगो दिए। ये अभी सब्जियाँ आई तो ये वॉश करनी, पानी जा रहा है तो ये वॉश करके रखनी है। यीशु ने खाना खा लिया है जी, योशी अभी खा रही है, मैं और हस्बैंड अभी खाएंगे। हस्बैंड अभी आए हैं, 9 बज गए हैं रात के, तो बस खाना पीना खाते हैं। और ये है किचन का कुछ काम है, मेहंदी वेहंदी का है, ये सब सब्जियों का, और फिर वही मुँह धोना, ब्रश करने, वो तो लास्ट का काम है। तो आज के लोग को ख़त्म करते हैं। आई होप आज का लोग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप सबको शुभ रात्रि, राम राम जी।